तो फ्रेंड्स, आज हम आपके लिए लाए हैं एक नई कहानी, सच्चाई की ताकत। तो आइए शुरू करते हैं। किसी जमाने में एक राजा था, वह बड़ा नेक था। अपनी प्रजा की भलाई के लिए सदैव प्रयत्न करता रहता था। उसने अपने राज्य में घोषणा करा रखी थी कि रोज शाम तक बाजार में किसी की कोई चीज ना बिके तो वह स्वयं उसे खरीद लेगा। इसीलिए शाम को जो भी चीज बच जाती वह उसे खरीद लेता। संयोग से एक दिन बाजार में एक आदमी शनि की मूर्ति बेचने आया। शनि की मूर्ति को भला कौन अपने घर में रखता, किसी ने उसे नहीं खरीदा। अपने वचन के अनुसार शाम को राजा ने उसे खरीद लिया और अपने महल में रख दिया। रात हुई, राजा की आंख लगी ही थी कि अचानक उसके सामने एक मूर्ति आ खड़ी हुई। राजा ने पूछा, तुम कौन हो? वह बोली, राजन, मैं लक्ष्मी हूँ, तुम्हारे राज्य से जा रही हूँ, क्योंकि तुम्हें शनि को अपने घर में स्थान दे दिया है। राजा ने कहा, मैंने अपने धर्म का पालन किया है, सत्य की रक्षा की है, तुम जाना ही चाहती हो तो चली जाओ। उसके जाने के थोड़ी देर बाद राजा की आंखों के सामने एक दूसरी मूर्ति आई। राजा ने पूछा, तुम कौन हो? वह मूर्ति बोली, मैं धर्म हूँ, मैं भी जा रहा हूँ, जहाँ शनि का वास होता है मैं वहाँ नहीं रह सकता। राजा ने उसे भी वही उत्तर दिया जो लक्ष्मी को दिया था। फिर तीसरी मूर्ति प्रकट हुई। राजा ने पूछा, तुम कौन हो? उत्तर मिला, मैं सत्य हूँ, तुमने शनि को आश्रय दिया है, इसीलिए मैं जा रहा हूँ। राजा ने उसे पकड़ लिया और बोला, मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगा, सिर्फ तुम्हारे लिए ही तो मैंने लक्ष्मी को छोड़ा और धर्म को भी छोड़ा, अतः तुम नहीं जा सकते। यह सुनकर सत्य चुप हो गया और वह नहीं गया। उसके रुकने पर लक्ष्मी और धर्म भी वापस लौट आए। यह देखकर राजा को बहुत प्रसन्नता हुई। इससे हमें यह सीख मिलती है कि चाहे जैसी भी परिस्थिति हो, हमें सच का साथ नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि सच की हमेशा जीत होती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।